जिसकी एक चीख पर जन्नत जैसा देश सऊदी अरब हिल जाए, वो अब पेरिस की अदालत का चक्कर लगाएगी। जिसके कदमों के बढ़ने से पहले फूलों की बारिश हो, उसके पैरों में बेड़ियां भी लग सकती हैं। जो महलों में मखमली वातावरण में रहती हैं, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो मामला दर्ज हुआ है वो इसी ओर इशारा करता दिख रहा है कि अब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बहन राजकुमारी हस्सा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। खबरों की माने तो राजकुमारी हस्सा के खिलाफ यूरोपीय देश फ्रांस में नौकर पर हिंसा करवाने और पांव चूमने का आरोप लगा है, जिसे लेकर हस्सा को अगले महीने से अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। आरोप में कहा गया है, गलती करने पर नौकर को बॉडीगार्ड से पिटवाया गया, पैर चूमने के लिए मजबूर किया गया। नौकर पर हिंसा करने का मामला 2016 का है। मार्च 2018 में अदालत ने पेश होने का आदेश दिया था। पेशी के लिए अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी किया था। गिरफ्तार कर राजकुमारी को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया गया। राजकुमारी पर लगे इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो राजकुमारी को समझ लेना चाहिए कि फ्रांस में कोई राजशाही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है और उनके यहाँ काम करने वाले भी इंसान हैं। वैसे राजकुमारी की पक्ष को माने तो घर की सजावट और देखभाल के लिए नौकर को रखा गया था। मीडिया को बेचने के लिए नौकर ने लग्जरी फ्लैट की फोटो खींची। नौकर का कहना है कि उसने अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए राजकुमारी के फ्लैट की फोटो खींची थी। बहरहाल इस घटना के बाद राजकुमारी हस्सा ने फ्रांस छोड़ दिया था और अब उनकी तलाश जारी है। मतलब एक राजकुमारी कानूनी कार्रवाई से डर कर भाग चुकी है।